हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कैलकेरिया आरसैनिका इस मेडिसिन का जो हार्ट सिम्टम होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट सी रेमेडी है फटाफट पढ़ते हैं इसके भी टू पार्ट्स में हम पढ़ लेंगे एक में गाइडिंग सिम्टम सेकेंड में पर्टिकुलर्स वेरी शॉर्ट रेमेडी इसका जो कॉमन uh, नेम है वो है आर्सेनाइट ऑफ लाइम एंड प्रूवर uh, है इसके हेरिंग इसका ये फार्मूला दे रखा है देन uh, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कैलकेरिया आर्सेनिका इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैलकेरिया एंड आर्सेनिक सो इन कैलकेरिया आर्सेनिक वी गेट फ्यू सिम्टम्स ऑफ कैलकेरिया काब एंड फ्यू सिम्टम ऑफ आर्सेनिक एल्बम तो ये जो मेडिसिन है ये कैसे बनती है कैलकेरिया uh, काब को और जो आर्सेनिक एल्बम है इन दोनों को मतलब मिला के ये बनती है क्योंकि इसके अंदर कैलकेरिया कैल्शियम भी है और आर्सेनिक भी है तो उन दोनों की मिक्स सिम्टम इसके अंदर हमें मिलेंगे एग्जाम्पल द पर्सन इज चिली फैटी एलमेंट्स अकर ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक पीरियड मेंटल डिप्रेशन वीक हार्ट पेल्पिटेशन ऑन असेंडिंग आर द सिम्टम ऑफ कैल्केरिया वेअर एस मेंटल एन्जाइटी चिल ग्रेट वीकनेस आर द सिम्टम ऑफ आर्सेनिक तो ये जैसे इसमें मिक्स सिम्टम मिलेंगे कुछ सिम्टम हमें आर्सेनिक एल्बम के मिल जाएंगे कुछ कैल्टेरिया के काब के मिलेंगे क्योंकि उन दोनों एलिमेंट से मिलकर ये बन रहा है कंपाउंड देन डॉक्टर हैरिंग प्रूव दिस ड्रग ऑन हिज ओन बॉडी उन्होंने खुद के ऊपर ये प्रूविंग करी थी क्लिनिकली ये एजमा कॉलेरा कॉन्स्टिपेशन फीवर हार्ट अफेक्शन हेड एक किडनी एंड लीवर अफेक्शन नेफ्राइटिस इन सभी के अंदर ये दी जा सकती है देन इसका स्वेर ऑफ एक्शन क्या है इट एक्ट्स ऑन माइंड हार्ट लीवर्स स्प्लीन एंड किडनी मेन तो हार्ट है इसका एक्शन लेकिन इसके अलावा और भी ऑर्गन्स पे ये काम करती है देन पैथोजेनिस uh, अगर देखें तो कैल्किरिया आरसैनिका एक्टिंग ऑन हार्ट कॉजि पेल्पीटेशन ऑन किडनी इट प्रोड्यूसिस इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग इन एक्यूट एंड क्रॉनिक नेफ्राइटिस सो हार्ट के अंदर तो ये पेल्पिटेशन के लिए बहुत अच्छा uh, ये मेडिसिन काम करती है इसके अलावा अगर किडनीज की बात करें तो किडनी में अगर इन्फ्लामेशन होती है एक्यूट भी हो सकती है क्रॉनिक भी हो सकती है तो एक्यूट नेफ्राइटिस क्रॉनिक नेफ्राइटिस उन कंडीशंस में भी कैलकेरिया आरसेनी का बहुत अच्छा काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मेकअप ऑफ द बॉडी द पेशेंट इज फेयर फैटी एंड फ्लैबी लुक्स लाइक अ कैलकेरिया पेशेंट देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया का वाला आ गया फेयर फैटी फ्लैबी रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड वेरी चिली पेशेंट चिली टाइप का पेशेंट होगा दैन म्याजम है सोरा इन द बैकग्राउंड सोरिक पेशेंट होगा इसके अंदर देन गाइडिंग सिम्टम स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजिस पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट में ज़रा सा कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई कुछ टेंशन आ गया कुछ प्रेशर आ गया किसी भी तरीके का इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ गई तो उसका हार्ट पेल्पिटेट कर करना स्टार्ट कर देगा उसको पैल्पिटेशन होने लग जाएगी हार्ट की तेज़ तेज़ धड़कने लग जाएगा रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड चेस्ट तो ब्लड जो है वो ऐसे फील होगा टूवर्ड्स द चेस्ट रीजन और हेड की तरफ एकदम रश हो रहा है ब्लड एकदम ऐसे कंजेशन फील होगा किडनी रीजन इज वेरी सेंसिटिव टू प्रेशर तो किडनी रीजन जो है वहाँ पे भी इसमें अफेक्शन uh, मिलता है किडनी को भी क्योंकि ये कवर कर रही है एंड लार्ज स्प्लीन एंड लीवर ऑफ द चिल्ड्रन तो उसमें भी ये अच्छा काम करती है जहाँ पे स्प्लीन और लीवर एनलार्जमेंट होती है एपिलेप्सी फ्राम वॉलर डिजीजेस ऑफ हार्ट हार्ट के अंदर अगर वॉलर डिजीज़ है और उस डिजीज़ की वजह से पेशेंट में एपिलेप्सी फिट्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी कैलकेरिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है कैलकेरिया आर्सनिका देन मेंटली पेशेंट कैसा होगा उसमें एंगर है एन्जाइटी है ग्रेट मेंटल डिप्रेशन डिजायर्स कंपनी कन्फ्यूजन डिल्यूशन एल्यूशन ये सभी इसके अंदर मिलता है तो मेंटली काफ़ी गुस्से वाला है एनजाइटी है उसमें मेंटली डिप्रेस्ड रहता है कंपनी लोगों के साथ रहना पसंद है बट कंफ्यूज रहता है डिल्यूजन्स होते हैं इल्यूजन्स होते हैं उसको एलिमेंट्स फ्राम ड्रिंकिंग एल्कोहल आफ्टर एब्सटेनिंग फ्राम ड्रिंकिंग फ्लैशी वुमेन अप्रोचिंग मैनोपॉज एंड इमोशंस सो इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसका जो कॉज है वो क्या होता है कि ज़्यादा एल्कोहल लेने से या अल्कोहल पी रहा था एकदम से उसने पीना छोड़ दिया तो उस उसकी वजह से कॉजेशन आ सकती हैं ये सारी कंप्लेंट्स कॉज हो सकती हैं फ्लैशी वुमेन है, है यानी कि फैटी वुमेन है और उसके मेनोपोज आ रहे हैं तो उसमें ये कंप्लेंट्स आ सकती हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी कोई भी इमोशंस को लेके प्रॉब्लम होगी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब है जैसे कोई लव्ड वन की डेथ हो गई या कोई uh, किसी ने रिजेक्ट कर दिया ठीक है तो ये सारी कंडीशंस क्या हैं इसमें पर्सन इमोशनली बहुत उसको झटका फील होता है या लोगों के सामने बहुत भयंकर इंसल्ट हो गई उसकी तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी जब उसकी ख़राब हो जाती है इनस्टेबिलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को तो उसमें कैलकेरिया आर्टसैनिका अच्छा काम करती है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इसके पर्टिकुलर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू